सो हेलो गाइस, कैसे आप सब। मैं आपका भाई अलबादी और आप देख रहे हैं अलबादी व्लॉग्स। सो गाइस, जस्ट अभी उठ के मैं जिम के लिए रेडी हुआ था। अभी मम्मी ने बताया कि भाई डेविल की तबीयत सी खराब हो रखी है, उसने ना तो रात को खाना खाया ना अभी सुबह खाया। ये देखो भाई कैसे पड़ा हुआ है। खाना नहीं खाया माँ इसने। बीमार हो गया डेविल तू। अरे मैं क्या बताऊं मैं। सो गाइस, अभी डॉक्टर से बात हुई। डॉक्टर भी किसी दूसरे डॉग को देखने गया हुआ, एक घंटे में आ जाए। तब तक मैं भी जिम में हो जाता हूँ, फिर आने के बाद डेविल को दवाई दिलाने चलेंगे। ये देखो भाई सारे ब्लू ब्लू हो रखे है। कर ले भाई तू भी कुछ। अभी एक घंटा हो चुका है और अब तक यही कर रहे हैं। भाई तू तो बीमार था, डॉक्टर ने मना किया था तुझे। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बली है। अरे भाई ये पैर फंस गए, इसके पैर निकालो भाई। भाई इसके पैर निकालो। विनीत की तो बेचारी तबीयत खराब थी। मैंने और आशीष ने तो भाई 100-150 सपाटे मार लिए, उस भाई ने कुछ नहीं किया। गाइस ये देखो ट्रैफिक पुलिस वाले भाई साहब कितने बंदों को रुवा रखा है। तेरे को ही उतार के मारेंगे ये। सो गाइस अभी खाने पीने आ गए, अभी बादाम रगड़े तो मंगा लिया, अभी खाने पीने का भी आ रहा है। तो गाइस अभी खाना पीना भी आ चुका, खाने पीने के बाद बात करते हैं। तो गाइस अभी डाइट वगैरह तो खा ली थी, अभी घर साइड जा रहे थे। ये देख ना आज अखबार में क्या रखा है। क्या रखा भाई ये देख, पहले पढ़ी। सभी यूट्यूबर्स को सोसाइटी खा ली। ओ भाई साहब ये तो अपनी बिल्डिंग है भाई। भाई इसमें सारी चीज बिल्कुल प्रॉपर डिटेल से बता रखी है, पढ़ के देख इसको। सो गाइस अभी एक बार ये न्यूज पढ़ लेते हैं, यूट्यूबर्स वगैरह ये मेरे ख्याल से हमारी बता रखी है इसमें। फिर तो आज फ्लैट पे जाने कोई मतलब ही नहीं बनता, जाते हो तो खाली करा देंगे, थोड़ी करा देंगे, कुछ टाइम पीरियड तो देंगे। एक मिनट रुक भाई, ये मैं पूरी न्यूज पढ़ लेता हूँ। सो गाइस अभी ये सारी न्यूज पढ़ी, एक ही पेज पे आ रखा ना, बस यही है ना। यही है भाई। भाई उनको पता कैसे लग गया है कि फ्लैट में ऐसा ऐसा हुआ है। भाई बाबा वगैरह का भी पता चल गया भाई। सारी चीज डिटेल लिख रखी है इसमें। भाई जो तोड़ फोड़ हो रखी थी उसकी मेंटेनेंस भी सारी बाहर से करवाई है। भाई बाहर से ठीक कराने के बाद भी उन्हें कैसे पता चल गया यार इस चीज का। भाई जिसमें बाबा वगैरह का सारा जिक्र कर रखा है, उनके पास सीसीटीवी कैमरा फुटेज भी है जिसमें वो उड़ता दिख रहा है। भाई फिर तो ऑफिस में से कॉल भी आई होगी, तेरे पास कॉल नहीं आई। भाई मेरे पास नहीं आई, मोहित के पास आई होगी। फिर बताया नहीं मोहित ने अभी। भाई एक बार मिला उसके पास, फोन मिला मोहित के पास। ये क्या सीन हो गया भाई, तो फ्लैट खाली पर करना पड़ेगा। इसमें तो उन्होंने नोटिस वगैरह भी भेज रखा है, देखो। फोन नहीं उठा रहा है वो तो। फोन नहीं उठा रहा। नहीं भाई, भाई हम तो सोच रहे थे अब सब सही हो गया। उसके बाद कुछ दिक्कत हुई है क्या फ्लैट से? तो उस बाबा ने बाबा निकाल दिया था। हाँ। बट बाहर क्या पता उसने क्या किया हो यार। तो गाइस अभी ऑफिस में हमारी बात तो नहीं हुई, मोहित के पास कॉल वगैरह ही होगी। और अभी मोहित ने फोन नहीं उठाया, एक बार उससे बात कर लेते हैं ना भाई, फिर ऑफिस में जाके एक बार पता करें, देखते हैं भाई क्या सीन हो। भाई हम ये कह लेंगे ना कि फ्लैट पे सब सही है, एक बार आप खुद चेक कर लो बेशक। भाई अगर उनके पास सीसीटीवी फुटेज है तो सारी चीजें तो कैप्चर हो रखी है ना उसमें। भाई इतने टाइम बाद सब ठीक हुआ था, अब क्या सीन हो गया है नया? भाई अब तो सब सही हो गया था यार, हमने हवन वगैरह सब करा, बाबा ने सब काबू भी कर लिया, सारा सोल्यूशन हो गया था यार। बस वो अब राख बाकी आनी है और मेहंदीपुर दर्शन करके हम तो बिल्कुल टेंशन फ्री हो गए थे कि इतने टाइम बाद सीन करते हैं, बात करके देख लेते हैं उनसे। असल में पता है क्या सीन हुआ, जब वो बिल्डिंग वाइब्रेट वगैरह हो रही थी ना, गार्ड वगैरह तब इकट्ठे हुए होंगे, हम तो निकल गए थे वहां से। वो स्केलेटन भी तो बाहर से उड़ के आया था, वो तो सीसीटीवी में कैप्चर नहीं कर लिया उन्होंने? हमारे तो फ्लैट के सामने है भाई बिल्कुल कैमरा, पक्का वही कैप्चर किया भाई, स्केलेटन ही दिख गया होगा उन्हें। सो गाइस एक बार शाम को वहाँ पे एक बार ऑफिस में जाके पता करते हैं कि क्या कुछ सीन हो रखा है, और उससे पहले मोहित ही कॉल आ गया तो उससे पूछ रहे हैं कि बात हुई है या नहीं। तो गाइस अभी घर पे आया था, ये देखो भाई अपनी बुलेट के साथ कौन होली खेल गया, सारी बुलेट पे रंग लगा रखा है। भैया तो ऐसा वर्कआउट कर लिया, हालत बिल्कुल खराब हो रखी है। भाई अभी घर पे तो आ चुका, अभी थोड़ा बहुत रेस्ट कर लेता हूं जब तक गाड़ी भी आ जाएगी। फिर एक बार डेविल को दवाई भी दिला के लानी है, इसकी तबीयत भी खराब हो रखी, इसने खाना भी नहीं खाया कल से। सो गाइस अभी मैं उठा था बाहर आके देखा तो भाई साहब अंधेरा हो रखा है। शाम को ऐसी नींद आती, मैं सोचता हूँ आधा घंटा सो जाऊं, पर भाई एक डेढ़ घंटे से पहले आंखें नहीं खुलती। और भाई बेचारे डेविल की भी तबीयत खराब हो रखी है, देखो भाई कितना पतला हो गया है। भाई अभी बाहर आके देखा तो अपनी गाड़ी भी नहीं खड़ी हुई। भाई गाड़ी तो भाई लेके जा रखा, बोल रहा कि भाई एक डेढ़ घंटे में आऊंगा। भाई मैंने अभी रोहित के पास कॉल किया, वो रोहित और विनीत आ रहे हैं। एक बार डेविल को लेके चलते हैं डॉक्टर के पास, वो भी डेविल ने पेडिग्री और रोटी वगैरह कुछ भी नहीं खा रखी। सो गाइस अभी रोहित और विनीत तो आ चुके हैं, और भाई डेविल को बिठा लिया गाड़ी में। भाई उधर से तो बैठने नहीं दे रहा, इस साइड आ जाता हूं मैं तो। हाँ अभी साइड आ जा तू। तो भाई जब डेविल को डॉक्टर के पास तो लेके आ चुके हैं भाई, ये नहीं उठेगा साले को, बम से उड़ा दूंगा एक बार। डेविल
अच्छा ठीक है उधर लोग तीन तीन टिक्के तो रेडी हो चुके, चौथा भी रेडी हो रहा है। सोमवार लग रहा है सर, कोई असर नहीं नहीं टपरी लेके चलते। वो भाई साहब ये क्या गुस्सा हो रहा है भाई मरना तेरे को डर नहीं लगता डेविलो कोई मतलब ही नहीं है भाई, असल में इसी तबीयत खराब हो रखी है, पंजे के नीचे ही दबा के। सो गाइस डेविल को 105 बुखार हो रखा था, 4 इंजेक्शन आज लगे, डॉक्टर ने बुलाया कि कल और परसों भी लेके आना पड़ेगा भाई। इसको डेंगू के सिम्टम्स बता रखे और भाई 2-3 दिन से इसने इसलिए खाना नहीं खाया। सो गाइस अभी डेविल को तो उतार दिया था, अभी दादी को और दवाई दिला के लाते। तो गाइस अभी दवाई तो ले ली थी, चलो तो गाइस अभी मैं भी निकलता हूँ भाई। अभी घर से तो निकल लिया, अभी मेरी गाड़ी अभी तक नहीं आई और उस गाड़ी में ही राख पड़ी है भाई तब से ही। यार फिर वो तो लेके आनी पड़ेगी यार, भाई पता नहीं कहाँ पे गया हुआ और उसका फोन भी नहीं मिल रहा, फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। एक काम करते हैं अभी मोहित के पास चलते हैं, एक बार फ्लैट साइड जाके एक बार ऑफिस में बातचीत करके देखते हैं कि क्या सीन हो रहा है, किस लिए फ्लैट वगैरह खाली करने की बोल रहे हैं। गाइस अभी हम दोनों तो उतर चुके, अभी रोहित जा रहा है इसके घर से, अर्जेंट फोन आ गया, अभी मोहित हमें लेने आ रहा है। गाइस मोहित भी आ चुका है। तो गाइस अभी देखो इनको, ये दो दो प्लेट मोमोज मंगा दी भाई, तेरे को आते ही भूख लगी। तो गाइस मोमोज वगैरह खा के तो अभी निकल चुके थे, अभी रोहित की कॉल आएगी भाई मैं घर पे, गाड़ी तो दे दी एक बार मेरे को और बिठा लो। तो गाइस अभी उसे बिठाने आए हैं। ये रहा भाई, तूने दिन में फोन क्यों नहीं उठाया हमारा? अरे यार वो फ्लैट वालों का फोन आया था, वो बोले कि फ्लैट खाली करना पड़ेगा। तो वही तो पूछ रहा था तेरे को, तेरी बात हुई है या नहीं? एक बार बात हुई थी, वो बोले कि एक बार आ जाओ फ्लैट पर अपना सामान ले जाओ भाई। उसके अलावा कुछ बात ही नहीं करी भाई, उनको बोल दिया हम नहीं कर रहे खाली भाई। उनके पास तो यार पूरे सीसीटीवी वीडियो वगैरह सब है, सारे प्रूफ है उनके पास भाई। बोले कि और कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हें तो यहाँ से निकलना ही पड़ेगा भाई। एक काम कर, फ्लैट पे चलते हैं और उनके ऑफिस में जाके वहीं पे जाके बात करी थी। उसके बाद मैं उनके फोन नहीं उठाया, उनके 15-20 फोन आए थे। एक बार यार वहाँ पे तो जाना ही पड़ेगा, बिना जाए तो बात नहीं बनेगी ना यार। तब उनके पास अगर सारे एविडेंस वगैरह तो भाई वो खाली करा के ही मानेंगे यार। मैंने पूरी कोशिश कर ली भाई मनाने की, नहीं माने भाई वो। यार ऐसे कैसे खाली करते भाई, भाई उनके पास यार पूरे प्रूफ है, वो हड्डियां वगैरह उड़ के आ रही है और ये सब आवाज जाती है रात को भाई। वो तो बोल रहे हैं और कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, बस तुम्हें खाली करना पड़ेगा। फिर उसके बाद तो भाई मैंने उनके फोन ही नहीं उठाए भाई। अब क्या करना है फिर? एक काम करते हैं, एक बार फ्लैट पे जाके देखते क्या सीन हो रखा है। कल शाम को जो फ्लैट पे हवन करवाया उससे तो अंदर सब सही हो गया था। गाइस अभी एक बार फ्लैट साइड जा रहे हैं, एक बार देख के आते हैं क्या कुछ सीन हो रखा है। सो गाइस अभी फ्लैट पे तो पहुंच चुके हैं और भाई घर पे गाड़ी भी आ चुकी है, भाई घर पे आ चुका है। भाई का फोन आया था कि मैं घर पे पहुंच चुका हूं, अभी एक बार भाई राख लेके आनी पड़ेगी वहां से। फिर एक काम करते रहो, तू राख ले, हम ऊपर चलते एक बार। चल भाई। भाई फ्लैट तो सारा नॉर्मल हो रखा यार। भाई अगर बात भी करके आते तो ऑफिस भी तो लोग था यार। भाई टाइम भी तो ज्यादा हो रखा ना, 11 बज चुके हैं भाई। पर भाई फ्लैट में तो ऐसा कुछ है नहीं, सब कुछ ओके है। यहाँ पे तो सारी चीजें वैसी की वैसी नॉर्मल है यार। भाई रात को सब कुछ डाल लेंगे थे हम तो। उसके बाद तो मेरे ख्याल से कोई चीज नहीं है भाई, जो वो पहले हड्डी वड्डी उड़ती हुई देखी होगी ना, वो सीसीटीवी में कैप्चर हुई होगी। तूने वाइब्रेशन फील की थी यहाँ पे, मेरे को तो लग रहा था ये बिल्डिंग ना ढह जाए भाई। उसके बाद जैसे सब ठीक हुआ एकदम से ऐसे नेगेटिव एनर्जी बाहर चली गई थी भाई। तो भाई जब भी फ्लैट में सारी जगह देख लिया था, फ्लैट में तो सारी चीजें जैसे कल थी वैसे ही हो रखी है। ये आवाज कैसी आ रही है? ये आवाज किस चीज की है भाई? भाई पता नहीं यार, नीचे से आ रही है, पर चल के देखेगा। नीचे से आ रही है ना भाई? चल यार नीचे चल के ही देखते हैं, वो स्पीकर में अनाउंसमेंट टाइप लग रहा है मेरे को तो। भाई क्या पता वो दोबारा बोलने तो नहीं आई वो फ्लैट के लिए, उन्हें पता तो नहीं चल गया ना हम फ्लैट पे आए हैं। चल के एक बार देख लेते हैं भाई। सो गाइस अभी नीचे जाके देख रहे हैं क्या अनाउंसमेंट वगैरह हो रही है, कहीं हमारे फ्लैट के चक्कर में तो नहीं हो रही। रोहित को पूछ ले यार, ले आएगा नहीं वो, जल्दी मिला उसके पास की भाई जल्दी आ जाए, ऐसे निकलना पड़ेगा। गाइस अभी ऊपर जाके देख रहे हैं। गाइस ये देखो कुछ जागरण वगैरह करा रखा है यार, सीन हुआ ना उस चक्कर में कराया भाई। गार्ड वगैरह भी खड़े हुए, काम कर यहाँ से निकलो, उन्होंने देख लिया ना दिक्कत हो जाएगी, जल्दी आ जाओ भाई। ये तो पूरा जागरण वगैरह करा रहे हैं यार, उसी चक्कर में करा रहे हैं वही तो, तभी तो हमारा फ्लैट बंद कराने की बोल रहे थे। भाई जब एक बार फ्लैट के नीचे जा रहे हैं, एक बार रोहित के आने की वेट करते, फिर रोहित के आते जल्दी से निकलते, वरना अभी किसी ने देख लिया तो भी दिक्कत हो जाएगी भाई। गार्ड वार्ड ने देख लिया ना, कंप्लेन हो जाएगी भाई, जल्दी चलते हैं। आ गया राख लिया है भाई, चल जल्दी गाड़ी में बैठो चलो। तो गाइस अभी राख वगैरह भी लेके आ चुके हैं, अभी निकलते हैं यहाँ से। क्या करें इसे, सीधा हरिद्वार चले भाई। भाई गंगा में तो बहानी पड़ेगी यार। एक काम करते फिर यहीं से निकलते हैं। ये आग वगैरह लेके कौन घूम रहा है यार इस टाइम है? भाई पता नहीं यार क्या काम करते हैं, हम तो निकलते हैं यार। भाई टाइम देखो, 1:00 12:55 हो चुकी है भाई। इसका मतलब तो और बिल्डिंग में रहते हैं ना, उन्होंने भी देखा वो। भाई साहब सब में डर फैला हुआ यार, सब अपने घर के बाहर हवन करवा रहे हैं। अभी टाइम देखो 1:02 है और भी अभी यहाँ से निकल रहे हैं। अभी राख वगैरह तो हमने ले लिए, गाड़ियों में भी सीधा हरिद्वार निकल रहे हैं भाई। 5 घंटे लग जाएंगे यहाँ से जाने में,
मेहंदीपुर बालाजी दर्शन करने तो बाद में चल पड़ेंगे, पहले ये काम करना जरूरी है भाई। हाँ भाई, ये तो भाई गाड़ी ले गया यार, कितना रिस्की हो गया था वो चीज भी, राख उसी गाड़ी में रखी हुई थी वही तो, और ना फोन मिल रहा था, मेरे को लगा कि कुछ दिक्कत ना होगी यार। तो इस टाइम देखो चलते चलते हमें 1.5 घंटा हो चुका है, 2:29 हो चुकी है, और भी ये विनीत तो सो गया। भाई तेरे को तो नींद नहीं आ रही ना? नींद भी नहीं आ रही भाई। एक काम कर ले तू 1.5 घंटा और चला ले, फिर मैं चला लूंगा बाकी। एक बार पेट्रोल वगैरह भरवा लेते भाई, टंकी भी खाली हो रखी है। तो गाइस अभी टंकी तो फुल करा ली थी, चल भाई निकलते जल्दी। तो गाइस अभी भी टाइम देखो 4:47 दिखा रहा पहुंचने में। गाइस अभी काफी देर हो गई थी चलते चलते, एक बार थोड़ा सा स्टॉप लिया है, अभी टॉयलेट वगैरह कर लेते हैं। तो गाइस हम तो टॉयलेट करने उतरे थे, ये कुत्ते पता नहीं क्यों भोग रहे इतनी रात को भाई साहब। अब थोड़ा सा पैर सीधे भी देखिए, अभी पहला स्टॉप लिया है। एक काम करते हैं किसी ढाबे पे रुक के चाय वाय और पी लेते हैं। इस रास्ते पर लग रहा है ढाबे भी नहीं मिलेंगे यार इस टाइम तो, कोई तो खुला मिलेगा ना, वरना किसी रेस्टोरेंट पे रुक जाते हैं। वो ये रोहित वो कहा है? विनीत कहा भाई? भाई अभी तो यही था वो। वही विनीत कहाँ गया यार? ये वही फिर रात क्यों खाने लग गया भाई? भाई साहब सारी रात की रात ही भाई इसने, भाई राख खाने लग, ओए पागल है क्या तू? ये क्या हो गया इसके? तू राख क्यों खा रहा है? ये क्या हुआ भाई? भाई इस मुंह देख अपना भाई, स्केलेटन की राख खा ली तूने भाई? ये पूछो जल्दी, अरे पूछो अपना जल्दी, पूछो भाई जल्दी। यार ये क्या किया मैंने? ये देख तूने सारी राख खिंडा दी, और बाहर कब निकला? अभी सो रहा था। और तू? अरे यार सारी हम तो यार टॉयलेट करने रुके थे यार, तू देख तो लेते कब निकला। राख लगी थी मैंने देखा ही नहीं भाई। ये क्या? अरे तू मुंह धो अपना अच्छे से, एक काम कर गंगा जल निकल गाड़ी में से। यार गंगा जल नहीं लाए गाड़ी में भाई, सारी राख तो नीचे खिंडा दिया। 2 मिनट तो उतरे थे हम यार वॉशरूम करने, भाई मेरे साइड में सो रहा था, पता नहीं कब चला गया। गाड़ी में बैठ भाई, तो गाड़ी में बैठ भाई साहब। राख का क्या करें भाई? भाई पता नहीं क्या सीन था, हम तो टॉयलेट करने निकले, 2 मिनट में क्या सीन कर दिया इसने। अभी तो दोनों सो रहे थे यार जब गाड़ी में बैठे थे हम। पानी वानी चाहिए? और मेरा सिर भारी हो रहा है। ले पानी पी ले, चल बैठ भाई जल्दी बैठ। अरे वो ये पापा कहाँ से आ गए भाई? कहाँ है अभी? बोर्ड के पास दिखा भाई मेरे को। तू पागल है यार? सही में यार इस बोर्ड के पास दिखा मेरे को अभी। वो तू जल्दी गाड़ी में बैठ ले यार। भाई साहब भाई अभी ये बोल रहा है कि इसको पापा दिखा, मोहित को पापा दिखा। अरे अभी दिखा यार, पीछे बोर्ड के पास खड़ा था यार वो। जैसे ही हरकत हो रही है इसके साथ, पर वो वापस कैसे आ सकता है यार? जो पूरा प्रॉपर इलाज तो कर दिया था यार उसने, बेड के अंदर हुआ था ना, बाहर के में डर तो था कि बाहर तो भी है वो। हड्डी वगैरह की राख खाई, उससे कोई दिक्कत तो नहीं होगी भाई? ये मुझे लग रहा है बाबा ने करवाया इसलिए खा रहा था ये हड्डी की राख। यार गंगा जल भी नहीं लेके आया यार हम तो। ओए भाई जल्दी चलो। वो ये कौन है? डॉक्टर को बोल रहा था ना पापा यार, जैसे विनीत खा रहा था वैसे ही खा रहा है यार। भाई साहब इसकी शक्ल देख यार, फिर ये बाप कहां से आ गया भाई? जल्दी भाग गाड़ी भाई, पीछे तो कोई नहीं दिख रहा है। हो गया अरे एकदम से यार ये। तू जल्दी चल भाई। भाई साहब पीछे पीछे आ जाए भाई, कोई नहीं है पीछे तो अभी। यार उस बाबा ने क्या ब्लैक मैजिक कर दिया था भाई मेरे ऊपर, जो मैंने वो राख वो कर दी। तो बाबा खा रहा था ना उसी तरीके से खा रहा था भाई, अब बची नहीं है राख, क्या करे भाई, पाके क्या आएंगे फिर भाई। राख वो खा रहा था, उसने सारी राख खा ली यार। विनीत खा रहा था ना वहाँ पे, कुछ गिरी हुई थी यार, वही उठा लाएंगे क्या भाई? वही उठा लेते हैं भाई, वहाँ पे जाना कितना रिस्की हो जाएगा अब, और घर से कितनी दूर है भाई, हमें तो पता भी नहीं है। उन्होंने कहा था कि राख बहानी जरूरी है वरना दिक्कत फिर रहेगी। हमारे पास राख भी तो नहीं बची, या तो वहाँ से उठा के लानी पड़ेगी भाई अब। जो भी थोड़ी बहुत बची काम करते हैं वही उठा लेते हैं भाई। अरे यार वापिस जाना रिस्की हो जाएगा भाई, और कुछ ऑप्शन तो नहीं है भाई। वापिस नहीं गए ना तो रिस्क और ज्यादा बड़ा हो जाएगा, बाबा सब जगह दिखेगा फिर। यार सही कह रहा है, हरिद्वार पहुंचने भी नहीं देगा यार। लास्ट टाइम जब हम गए थे याद है कैसे हर जगह दिखा था बाबा। सो गाइस अभी वापस राख उठाने जा रहे हैं, क्योंकि भाई बिना राख के क्या फायदा होगा, हम हरिद्वार जाके बाएंगे क्या? घर से 3 घंटे दूर आ चुके हैं भाई। यार ये सीन तो मेरे को पता था, ये सीन होना ही होना यार। कितना टाइम हो गया अरे बाबा पीछा ही नहीं छोड़ रहा जब से कुलदारे से आए हैं। यहीं पे था ना वो जगह? यहीं पे था भाई, ध्यान से यार कहीं वो बाबा ना दिख जाए भाई। भाई विनीत तू अंदर ही रही हो। ये पड़ी राख, रुक 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 भाई, ये पड़ी राख यार जल्दी उठा यार। भाई साहब भाई से काम चल तो जाएगा ना यार? चल जाएगा भाई, चल चल जल्दी निकल, जल्दी निकल, बहुत है इतनी भाई। सो गाइस अभी वहाँ पे जितनी भी राख बची हुई थी वो सारी राख तो उठा के ले आए, अभी यहाँ से जल्दी से निकल, सीधा अभी हरिद्वार साइड जा रहे हैं।